खबर रीवा से है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पिछले दिनों आए हुए परीक्षा परिणाम में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बच्चों को सम्मान देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रीवा के मारतंड स्कूल में मौजूद रहे। रीवा के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बच्चों को शॉल और श्रीफल देकर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में जो बच्चे नहीं आ सके उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया। रीवा का मारतंड स्कूल का हॉल खचाखच भरा रहा। एक गरिमामय आयोजन के लिए इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सहित कई विधायक, रीवा कलेक्टर के साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की कि जिस तरीके से काफी अरसे बाद रीवा संभाग को बेहतर परीक्षा परिणाम आया है, उसको लेकर तमाम जिम्मेदार लोग भी काफी प्रसन्न नजर आए। इसका उदाहरण इस हॉल में कार्यक्रम करते समय महसूस हुआ। बहुत ही सुंदर हॉल बन के तैयार हुआ है और एक एक बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। आज जो कार्यक्रम है, इसके कुल मिलाकर के दो भाग हैं। एक भाग है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक तौर पर बहुत मेहनत की होगी और उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनका त्याग है, समर्पण है, और जिसका फल उन्होंने प्राप्त किया तो न केवल उनके अभिभावक माता पिता को मिला बल्कि रीवा जिले की जनता को मिला। इसलिए उनका हर हालत में प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साह वर्धन करना चाहिए, एक उद्देश्य है इसका। दूसरा भाग उसका ये है कि कई स्कूलों के भीतर से लाख प्रयास के बाद भी बच्चे यदि प्रावीण्य सूची में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम हमारे प्राचार्यों को, हमारे गुरुजनों को, आचार्यों को देख करके लगेगा, क्योंकि जब वो प्राचार्य का भी देख रहे थे, स्कूल से संबंधित प्राचार्य का सम्मान देख रहे थे, उनके मन में भी एक कंपटीशन की भावना आएगी। और ये हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है, वो भी प्रतिस्पर्धी बने और अपने बच्चों को वहाँ से भी वो मेरिट मिलाने का, ये कुल मिला करके दो उद्देश्य था जिसके लिए आयोजन किया है।